लगवाया फिर कोली नलची ठाड़ी करी है तो बोर ना टंकी कैसे चालू होगी नरुआ में से। अच्छा बहुत और हम पंप नहीं चला टूट जाए बेगा बेगा हम खा से पानी लामा हमारे साथ ही बैठ रही है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो में जिसका नाम है यही चौप पाटर। और मैं सिद्धि गांव वाला ले चलता हूँ आपको कहीं पानी की प्रॉब्लम जहाँ महिलाएं कुछ किलोमीटर से एक एक दो दो किलोमीटर से दूर से पानी भरकर लाती है और पैदल लाती है। ये कोई विशेष कोई अमीर घराने की औरत तो ही नहीं सकती, इतना तो आप भी जानते हैं। लेकिन तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सीन में, यहाँ पर ये बहुत सारी औरतें इकट्ठी बैठी है और इनके बर्तन भी यहाँ पर रखे हैं। और ये यहाँ पर आज के ज़माने में तो ट्यूबवेल मोटर सबसे चल रहे तो पानी की सप्लाई हो जाती है, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक गरीब जनजाति के लोग हैं। इनको दूर दूर तक पानी भर कर ले जाना पड़ता है। यहाँ पर देख रही लाइन भी बहुत ज़्यादा लगी है जिससे पानी और नंबर वाई नंबर से इनका पानी आएगा। यहाँ पर ये नंबर से भर रहे हैं और कुछ देरों बाद इनका भी नंबर आएगा। अगर आपको भी गाँव से प्यार है तो एक बार मेरे कहने पर इस गाँव में ज़रूर आकर देखिएगा। आज भी यहाँ औरतें बच्चे यहाँ पर ऐसी पुरानी संस्कृति की तरह रहते हैं और आपको इस गाँव से देख कर बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। और ये संस्कृति हमारी पुराने ज़माने की है तो आपको वैसा ही फील होगा यहाँ पर आकर। आज भी इनके घर कच्चे हैं और कुछ पाटर बनी है, झोंपड़ियों में रहते हैं, गुजारा बसर अपनी लकड़ियों से लाकर जंगल में से करते हैं क्योंकि इनके पास कुछ जरूरतमंद साधन नहीं होता जिससे अपना पेट भर सके। देख सकते हैं आप जैसे कि वीडियो में सामने इनके घर बन रहे हैं, कुछ घर पक्के हैं जिन पर पुराने ज़माने के हैं वो भी, लेकिन झोंपड़ी भी बन रही है और ये ज़्यादातर लोग झोंपड़ी में ही रहते हैं। एक आधे के घर ही है जो पक्के बने हैं और इनके घर पर ये देख रहे हैं।